मैंने यहाँ पे 3 पाव चावल दिए हैं। मैंने यहाँ पे 3 पाव चावल लिए हैं जिनको मैंने आधा घंटा पहले सोक करके रख दिया था, यानी कि भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन लिया है। ड्राई स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे लिए हैं, मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून लाल मिर्च ली है, 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च साबित, 3 से 4 मैंने सिनेमन के स्टिक्स ली हैं यानी कि दालचीनी, 1 मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची ली है और 1 मैंने तेज पत्ता लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 कप मैं यहाँ पे दही डालूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 3 से 4 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज, 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून के करीब ये मैंने अदरक कटा हुआ लिया है। तो चलते हैं चिकन पुलाव बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं इसके अंदर 1/2 कप घी डाल दूंगी। इसके साथ ही मैं प्याज डाल दूंगी। और इसको फ्राई कर लूंगी। ये देखिए इसी तरह मैं प्याज को सुनहरी ब्राउन होने तक फ्राई करती जाऊंगी। प्याज फ्राई हो गया, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए व्यूअर, इतना ही बस मैंने ब्राउन करना था प्याज को। ये देखिए इस कंडीशन के आने के बाद मैं इसके अंदर सारे खड़े मसाले ऐड कर दूंगी। हल्का सा भुनने के बाद मैं इसमें प्याज, टमाटर, अदरक और सब्ज मिर्ची ऐड कर दूंगी। इसके साथ मैं 1/2 कप पानी इसमें ऐड कर दूंगी ताकि हमारा जो प्याज है मुझे ब्राउन ना हो जाए। देखिए मेरे मैंने इसको 5 मिनट तक भून लिया है। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को मैं थोड़ा सा भूनूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको 2 से 3 मिनट चिकन को भून लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब दही ऐड कर दूंगी। दही ऐड करने के बाद मैं इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है, इसका ऑयल निकल आया है, घी निकल आया है। अब मैंने जो यहाँ पे चावल लिए थे वो मैंने 3 गिलास लिए थे। पानी अब मैं ऐड करूँगी उसी गिलास के साथ 4 गिलास। ये देखिए मैंने 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है इसमें।
अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दूंगी। इस स्टेज पे जीरा ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और इसमें बॉईल आने का वेट करूंगी। जैसे ही बॉईल आएगा मैं चावल ऐड कर दूंगी। देखें व्यूअर्स, यहाँ पे बॉईल आ गया अच्छे से। यहाँ पे चेक कर लेंगे चिकन गला है कि नहीं, तो देखें चिकन बिल्कुल गल चुका है। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी और यहाँ पे आप चख भी सकते हैं कि अगर नमक या मिर्च की कमी है तो आप वो डाल सकते हैं। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने नमक को चखा है तो नमक थोड़ा कम लगा है, तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और ऐड कर दूंगी। आप भी स्टेज पे आके चख लीजिएगा। तो अब हम इनको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। मैंने फ्लेम फुल कर दी है, उसके बाद हम इसके अंदर दम लगाएंगे। मैंने इसको फुल फ्लेम पर पका लिया है, इसका पानी इतना ही बस हमने ड्राई करना है। इसके बाद मैं साबुत जौन सी हैं सबस मिर्चें इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें, और अब मैं इसको दम लगा दूंगी। 5 मिनट के लिए दम लगा दूंगी लो फ्लेम पे। दम उठाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। रहीम, तब मैं दम उठा दूंगी और ये देखें व्यूअर्स कितने ही मेरे मज़ेदार पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी है। 5 मिनट का मैंने इसको दम दिया है, ये देखिए। तब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। देखें व्यूअर्स, मेरा चिकन पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने इसके साथ मिंट का रायता भी बना लिया है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल किचन विद आसिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।